अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ के गेस्ट पेपर के एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीक्यूज नंबर वन, द ग्रीक्स कॉइंड द फ्रेज इंडियन फ्रॉम द रिवर, कहाँ से लिया था उन्होंने? इंडस से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर टू, द आर्यंस इन्वेडेड द सब कॉन्टिनेंट अराउंड, यानी कि जो आर्यंस थे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में कब आए थे, कब इन्वेड किया था? 1500 बीसी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर थ्री, द फर्स्ट मुगल्स वर अ रूलिंग फैमिली फ्रॉम, जो पहले मुगल्स थे वो कौन सी रूलिंग फैमिली से थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर फोर, शाहजहां बिल्ड द मैग्निफिशेंट डैश इन आगरा इन द मेमोरी ऑफ हिज फेवरेट वाइफ मुमताज़ महल, तो क्या बनाया था उन्होंने? ताजमहल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर फाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1600 बाय द परमिशन ऑफ डैश क्वीन एलिजाबेथ वन, तो कौन सी क्वीन ने परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? इंग्लिश क्वीन ने। एमसीक्यूज नंबर सिक्स, वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज नोन बाय डैश हिस्टोरियंस एज इंडियन मोटिनी, ब्रिटिश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर सेवन, जिना 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड इन डैश, जिना के 14 पॉइंट्स कब प्रेजेंट किए गए थे? 1929 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 18, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म बना था? 1885 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 9, डैश वाज डिफीटेड बाय ईआईसी सोल्जर्स इन द बैटल ऑफ प्लेसी, अब कौन से सोल्जर को डिफीट किया था? सिराज उद दौला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 10, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवर्स्ड इन डैश, जो पार्टीशन था बंगाल का उसको रिवर्स कब किया गया, कौन से ईयर में? 1911 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 11, पाकिस्तान ईरान एंड तुर्की आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ, से ये तीनों मुल्क किस चीज़ के फाउंडिंग मेंबर हैं? ECO के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 12, ड्यूरिंग द रूल ऑफ हुमायूं अफगान चीफ डैश वाज अ बिग चैलेंज टू मुगल्स, किसको थे? शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 13, लॉर्ड डलहाउस प्रेजेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डैश, कौन से डॉक्ट्राइन थे? लेप्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 14, लखनऊ पैक्ट इन डैश वाज अ जॉइंट मीटिंग ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो कौन से ईयर में हुई थी ये? 1916 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 15, ऑन 8 अक्टूबर 1906 अ डिपोटेशन ऑफ मुस्लिम लेड बाय सर आगा खान विजिटेड वाइसरी मिंटो एट डैश, कहाँ पे उन्होंने उनको विज़िट किया था? शिमला में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 16, डैश वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़, अब किसके लिए वर्क करते हैं? सार्क के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 17, सिंस पार्टीशन द इशू ऑफ कश्मीर हैज़ कॉज्ड फ्रिक्शन बिटवीन पाकिस्तान एंड डैश, अब पार्टीशन जब से हुई है कश्मीर की तो उन्होंने इशू ऑफ कश्मीर किसके दरमियान है? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 18, शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड कुरान इनटू, अब शाह वलीउल्लाह ने किस में कुरान को ट्रांसलेट किया था? पर्शियन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 19, द टर्म आइडियोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ डैश, अब टर्म आइडियोलॉजी का मतलब क्या है?
आइडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 20। मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रिलीजन डैश, मुगल एम्परर ने कौन सा न्यू रिलीजन पेश किया था? दीन ए इलाही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 21। इस्लाम गिव्स द मैसेज ऑफ पीस एंड डैश, इस्लाम किस चीज़ का मैसेज देता है? पीस का और ब्रदरहुड का। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 22। मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन डैश एडी, अब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब कॉन्कर्ड किया? 711 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 23। जिन्ना मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, अब जिन्ना मूवमेंट कब किसने स्टार्ट की थी? सैयद अहमद शहीद ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जिहाद मूवमेंट। एमसीक्यू नंबर 24। द नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन, नेहरू रिपोर्ट को कब पेश किया गया था? 1928 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 25। इन पाकिस्तान द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द रोल ऑफ, अब फर्स्ट मार्शल लॉ किसके दौर में लगा था? अयूब खान के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 26। बांग्लादेश वाज फॉर्मर डैश पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश पहले कौन सा फॉर्मर पार्ट ऑफ पाकिस्तान था? ईस्टर्न पार्ट था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 27। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन डैश 1949, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया था? कौन सी तारीख थी? 12 मार्च। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 28। सर सैयद अहमद ख़ान स्टार्टेड डैश मूवमेंट, सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी? अलीगढ़ मूवमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 29। मुगल एम्परर शाहजहां वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, अब मुगल एम्परर शाहजहां को किसने सक्सीड किया था उसके बाद? औरंगज़ेब ने। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 30। द वीक मुगल एम्पायर गॉट द लास्ट ब्लो फ्रॉम पर्शियन लीडर, कौन थे? नादिर शाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 31। डैश मुगल एम्परर वाज नोन एज द ग्रेट, अब द ग्रेट किसको कहा जाता है? कौन से मुगल एम्परर ऐसे हैं? अकबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 32। डैश वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर, कौन से पहले मुगल एम्परर थे? बाबर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 33। सैयद अहमद शहीद बरेलवी स्टार्टेड डैश मूवमेंट, उन्होंने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी? जिहाद मूवमेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 34। शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड होली कुरान इनटू डैश लैंग्वेज, अब शाह वलीउल्लाह ने होली कुरान को कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था? पर्शियन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 35। ऑन मई 28 डैश पाकिस्तान एक्सप्लोडेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब, अब पहला न्यूक्लियर बॉम्ब कौन से ईयर में पाकिस्तान ने किया था? 1998 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 36। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज इरेक्टेड ऑन डैश थ्योरी, अब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान किस पर इरेक्ट किया गया था? टू नेशन थ्योरी पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 37। डैश सेंट वाज नोन एज हज़रत मुजद्दिद अलफसानी, अब किसको कहा जाता है? एमसीक्यू नंबर 37 का आंसर डी है, शेख अहमद सिरहिंदी। एमसीक्यू नंबर 38। शेख अहमद वाज इम्प्रिजन्ड इन द फोर्ट ऑफ, कौन से उसमें इनको इम्प्रिजन किया गया था? ग्वालियर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 39।
इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनाई गई थी, 1885 में। MCQ नंबर 40, कांग्रेस वॉज एक्चुअली अ डैश डोमिनेटेड बॉडी, किसकी डोमिनेटेड बॉडी थी, हिंदूज की। MCQ नंबर 41, द टू सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी दो सिटीज थी, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। MCQ नंबर 42, मोनोथेस्टिक रिलीजन मीन, अब मोनोथेस्टिक रिलीजन किसको कहते हैं, बिलीविंग इन वन गॉड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 43, मोहम्मद बिन कासिम मेड सिंध, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को क्या बनाया, दारुल इस्लाम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 44, इन 1712 AD सिंध वॉज कॉन्कर्ड बाय, किसने कॉन्कर्ड किया था सिंध को, मोहम्मद बिन कासिम ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 45, इन 1712 AD हाजी बिन यूसुफ वॉज द गवर्नर ऑफ, हाजी बिन यूसुफ किसका गवर्नर था, इराक का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 47, एन आइडियोलॉजी ग्रोज अमंग द मोस्ट डैश ग्रुप ऑफ सोसाइटी एज अ चैलेंज टू प्रिवेलिंग सोशल सेटअप, तो इसमें क्या आता है हमारे पास, डिससेटिस्फाइड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 48, इस्लाम प्रीचेस ब्रदरहुड इक्वालिटी एंड पीस अगेंस्ट हिंदूज, किसके अगेंस्ट करता है, कास्ट सिस्टम के, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 49, डैश वॉज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर हु प्रेजेंटेड टू नेशन थ्योरी, अब टू नेशन थ्योरी किसने दी थी, सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 50, इन इस्लाम बाय वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द नीडी पर्सन ऑफ सोसाइटी, ज़कात, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 51, खिलाफत मूवमेंट वॉज द एफर्ट ऑफ, खिलाफत मूवमेंट किसकी थी, अली ब्रदर्स की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 52, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवर्स्ड इन, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब रिवर्स्ड हुआ था, 1911 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 53, मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन, अब मुस्लिम लीग कब बनी थी, 1906 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 54, पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अनाउंस्ड ऑन मार्च 23, कब हुआ था, 1956 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 55, SAARC स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये किसके लिए था, साउथ एशियन के लिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका कंप्लीट फॉर्म है। MCQ नंबर 56, द लाहौर रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन, अब लाहौर रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, 22 मार्च 1940 को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 57, पाकिस्तान इज बाउंडेड टू द वेस्ट बाय, अब पाकिस्तान के वेस्ट में कौन है, ईरान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 58, बांग्लादेश वॉज द डैश विंग ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश कौन सा पार्ट था, ईस्टर्न पार्ट था पाकिस्तान का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 59, पाकिस्तान हैज़ अ कॉमन बॉर्डर विद डैश नोन एज दुरंद लाइन, किसके साथ ये लाइन, अफगानिस्तान के साथ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 60, बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस इन डैश, अब बांग्लादेश को कब इंडिपेंडेंस मिली थी, कौन से ईयर में, 1971 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।